नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने लोक साहित्य जो विषय है, विशेष विषय है, उसमें जितने भी टॉपिक थे उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम जो इसका प्रथम पाठ है, लोक, लोकमानस, लोकवार्ता और लोक साहित्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लोक शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो है देखने वाला। क्या होता है? देखने वाला। लोक शब्द का प्रयोग लोगों के लिए, लोग या जन समुदाय के लिए होता है। हिंदी में लोक शब्द से लोक बना है। लोक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है, यानी जो लोक कलाएं हैं वो परंपरा, एक अविरल परंपरा, अनवरत परंपरा, आदिम अवस्था से वर्तमान युग तक जारी है। लोक विशद, व्यापक, विशाल, विराट, सार्वकालिक, सार्वदेशिक है, यानी लोक का क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। लोक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी लौकिक परंपरा से, मौखिक परंपरा से प्राप्त है। लोक ज्ञान की सत्ता पोथियों के ज्ञान से निर्मित नहीं, यानी लोक की जो ज्ञान है वो पोथियों में नहीं भरा पड़ा है और ना ही इसमें कोई व्याकरण की व्यवस्था है। लौकिक ज्ञान है वो अनेक प्रकार से हमारे मध्य अवस्थित रहता है, जैसे लोक कथा, लोक नाट्य है, लोकवाद्य है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोक परंपरा या लोक में आती है। आगे जो शब्दावली है उस पर चर्चा कर लेते हैं। लोकमानस। लोकमानस क्या है? लोकवार्ता को जन्म देने वाली मूल प्रवृत्ति का नाम लोकमानस है। कौन सी प्रवृत्ति? लोक वार्ता को जन्म देने वाली जो मूल प्रवृत्ति होती है उसी का नाम लोकमानस है। सहज अवचेतन को लोकमानस माना जा सकता है। सहज अवचेतन, फ्राइड ने मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मन की तीन गतियां होती है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। तो उसमें जो अवचेतन अवस्था है उसको लोकमानस, यानी हमारे संस्कारों में, हमारे स्मृति में कुछ बातें अवचेतन रूप में रहती है। लोकमानस को आदि आदि मन की मनोवृत्ति का अवशेष कहा जाता है। लोकमानस मृत और जीवितों में कोई भेद नहीं करता है। इन परंपराएं हैं, अनवरत चलती रहती है, उनके लिए कोई जीवित या मृत का प्रश्न ही नहीं बनता। लोकमानस से अमूर्त भी मूर्त रूप में परिलक्षित होता है। कोई भी अमूर्त वस्तु है उसको भी मूर्त रूप में मान लिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का विरोध करने के लिए उसका पुतला बनाकर उस जैसा और उसको दिला देते हैं और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति पुतला ना होकर वह व्यक्ति है। लोकमानस की यह मान्यता है कि प्रत्येक कार्य की पृष्ठभूमि में कोई कारण अवश्य होता है, यानी जो भी कोई कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। लोकमानस की सत्ता है सार्वदेशिक, सार्वजनीन, सार्वलौकिक है। लोकमानस है वो पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, यानी इसकी जो सत्ता है वो सार्वभौमिक है और ये हमेशा व्याप्त रहेगी। आगे जो लोकवार्ता का जो टॉपिक है, लोकवार्ता क्या होती है? लोकवार्ता लोक सृष्टि की अक्ष रहित मौखिक अभिव्यक्ति है। लोकवार्ता क्या है? मौखिक बातों, कहानियों, मतलब चुटकुलों, कहावतों, लोकाक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्ति है। और जब इस मौखिक अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध करने का संकल्प लिया जाता तो वह उसी क्षण लोक साहित्य की सीमा का स्पर्श करने लगता है। लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो लोक साहित्य की सीमा में आ जाती है। लोकवार्ता एक विशाल लक्ष्य है। लोक साहित्य उसकी एक शाखा है। लोकवार्ता के सभी विषय लोक साहित्य के अध्ययन का आधार है, इसलिए लोकवार्ता को लोकवार्ता का, यानी लोक साहित्य का अंग माना जाता है। किसको? लोकवार्ता को लोक साहित्य का ही अंग माना जाता है। लोक संस्कृति, आगे जो शब्दावली है वो कौन सी है? लोक संस्कृति। इस लोक संस्कृति में किसी क्षेत्र या जाति के सभी प्रकार की मान्यताएं, रीति रिवाज, उनके विश्वास है, धार्मिक जो विश्वास है, कहानियां हैं, कहावतें हैं, गीत है, भूत प्रेत की जो दुनिया है, जादू टोना है, वंशीकरण है, सम्मोहन है, ताबीज, भाग्य, शकुन, रोग, मृत्यु, त्यौहार,
और आदिम और असभ्य विश्वास, युद्ध आखेट, पशुपालन, धर्मगाथाएँ, विवाह पत्तियाँ, लोक कहानियाँ, बेलेट्स, गीति, किदंतियाँ, पहेलियाँ आदि इसे लोक संस्कृति में यानी फोकलोर में आते हैं। लोक साहित्य, इसका इस पाठ का पहले पाठ का जो अंतिम टॉपिक है वो लोक साहित्य। यह समुचे लोक के राग विराग, सुख दुख, हर्ष विषाद की सहज अकृत्रिम स्वाभाविक और सरस अभिव्यक्ति है। लोक साहित्य सर्वव्याप्त होता है। यह संपूर्ण मानव जाति की विरासत का सभी रूप है। लोक साहित्य का केंद्रीय लक्षण सामुदायिकता है। लोक साहित्य मानव जाति की सभ्यता संस्कृति का अनवस्य यानी कभी न नष्ट होने वाला शिलालेख है। लोक मानस की अभिव्यक्ति में पोषण, तोषण और मोदन का भाव रहता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक लोक साहित्य की भूमिका में लोक साहित्य के पांच भेद किए थे, लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनाट्य और परकीर्ण साहित्य। ये पांच भेद कृष्णदेव उपाध्याय जी ने किए थे। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इसके तीन भाग होते हैं, पुरुषीय भाग में और अपुरुषीय भाग में एक नंबर, दो नंबर लोकवार्ता साहित्य और इतर लोक साहित्य वाणी विलास, तीन नंबर है लोकगीत, लोककथा, चुटकुले, कहावतें, पहेलियाँ, मंत्र, ये तीन नंबर है। लोक साहित्य के माध्यम से मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति की जो संरचना है, उसकी जो आदिम परंपरा है, उसके जो मूल रीति रिवाज है, उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति को आसानी से समझाता है। इसलिए वर्तमान साहित्य में लोक साहित्य की जो भूमिका है वो हमेशा है, थी और हमेशा बनी रहेगी। और आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको सारांश रूप में समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ आप जोड़ना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जोड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।